अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त शानदार रेसिपी शेयर करी, जो सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स में रेडी हो जाएगी और ये एज अ टी टाइम स्नैक या ब्रेकफास्ट आप इसको खा सकते हैं, बहुत मज़े की बनेगी। उसके लिए आपने क्या करना है, ब्रेड के स्लाइसिस लेने हैं, उसके किनारे हटा देने हैं, काट लेने हैं, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, ब्रेड को इस तरह से बेलन की हेल्प से बिल्कुल बेल लेना है, फ्लैटन आउट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 4 ब्रेड के स्लाइसिस, ठीक है। बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे तो ये आराम से फ्लैट हो जाएगी। तो जब तक मैं कर रही हूँ, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, सिर्फ 1 से 2 सेकंड लगेंगे। चलें जी, ये देखें, बिल्कुल आराम से करेंगे तो बहुत आसानी से फ्लैट हो जाएगी। तो इस तरह मैं बाकी को भी कर लूँगी। तो ब्रेड को फ्लैट करने के बाद यहाँ पर मैंने जैम लिया, आप कोई भी अपनी फ्लेवर जैम ले सकते हैं, किसी भी फ्लेवर की ले सकते हैं। और ब्रेड पर इस तरह से हम जैम लगा देंगे, बिल्कुल थिन लेयर लगानी है आपने, ये देखें इस तरीके से, ये देखें। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ चेरी जैम, आप कोई भी अपनी पसंद का फ्लेवर का जैम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह लेयर लगाने के बाद आपने क्या करना है, ब्रेड को इस तरह से रोल कर लेना है, ये देखें, बहुत आराम से ये रोल हो जाएगी, ये देखें जी। इस तरीके से मैं सारी ब्रेड्स पर जैम लगा लूँगी और उनको रोल कर लूँगी। तो ये देखें मैंने कर लिया। अब क्या करना है, आपने एक प्लेट में एक अदद अंडा शामिल कर देना है, अंडा तोड़ के डाल देना है और अंडे को आपने फेंट लेना है, ये देखें इस तरीके से अंडे को आपने फेंट लेना है। फिर आपने क्या करना है, आपने एक पैन लेना है मीडियम फ्लेम पे, आपने इसके अंदर ऑयल शामिल करना है, आप तवा भी ले सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, जो हमने रोल बना के रखे हैं उनको अंडे में डिप करके हमने ऐड कर देना है, ये देखें इस तरीके से। अब हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से सेक लेना है। इस तरह से मैं बाकी को भी अंडे में डिप करके डालती जाऊंगी पैन में, ये देखें जी, ये बहुत मज़े का स्नैक रेडी होगा। इसको हमने दोनों साइड से अच्छे से देखें इस तरह से होने तक, गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना, ये देखें जी। तो 2 से 3 मिनट आपने इसको करना है अच्छे से फ्राई। जैसे इस पे अच्छा सा कलर आ जाए तो आप इसको फ्लेम से हटा लें और हम इसको सर्व करते हैं। बहुत ही देखें, इस तरह 5-स्टार रेस्टोरेंट में सर्व किए जाते हैं, तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। और ये बहुत मज़े का ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक है। अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी शुगर, आइसिंग शुगर थोड़ी सी डस्ट कर दूँगी, आप स्प्रिंकल, शहद या चॉकलेट सॉस कुछ भी ऊपर शामिल कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस हमारा इवनिंग स्नैक ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। बच्चों को आप बना के दें, उनको भी बहुत पसंद आएगा। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो आपका वेलकम है चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन भी दबा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।